हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के बारे में जानेंगे। जर्नल के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में जानते हैं कि क्या होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहने का मतलब है कि जहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसी को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल हमारा सबसे पहला स्टेप है, यहीं से हमारे बिजनेस के कंडीशंस आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले ही अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था, इसके बारे में जाना था हम लोगों ने कि सबसे पहले हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नल एंट्रीज में पुट करते हैं, फिर उसका लेजर पोस्टिंग किया जाता है, फिर हम लोग उसके अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जांचने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब फाइनली हम रिपोर्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं यूज़र्स के लिए। यूज़र्स को हम लोग इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट कर देते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर साल हमारा अकाउंटिंग साइकिल रोटेट करते रहता है। तो जर्नल के बारे में हम लोग अगर बात करें तो जर्नल इज सच टाइप ऑफ बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन सीरियल ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मतलब जर्नल में हम लोग जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज में और सीरियल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल के आधार पर। जब हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नल में पुट करते हैं उसी को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। और जर्नलाइजिंग करने के रूल, अगर हम लोग गोल्डन रूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के रूल के आधार पर हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नलाइज करते हैं, उनका हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे के टर्म जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जर्नल के फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट की किस आधार पर इसके एंट्रीज पास किए जाते हैं उसके फॉर्मेट के बारे में जरा डिस्कशन कर लें। फॉर्मेट ऑफ जर्नल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जर्नल एंट्रीज ऊपर हम लोग हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक में पास करना रहता है। सबसे पहले हमें डेट का कॉलम बनाना है, सेकंड हमें पर्टिकुलर्स के कॉलम बनाने हैं, थर्ड हम लोग LF मींस लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं, फोर्थ कॉलम अमाउंट का डेबिट कॉलम होता है और फिफ्थ कॉलम अमाउंट का क्रेडिट कॉलम होता है। मींस जर्नल में टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। ये ध्यान रखना है, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जब हम जर्नल में पुट करते हैं उसी टर्म को जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। बिना नरेशन के हमारा एंट्री जो है वो कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। क्या होता है नरेशन? नरेशन प्रॉपर एड्रेसिंग होता है किसी भी ट्रांजेक्शंस के। किसी भी ट्रांजेक्शंस के प्रॉपर एड्रेसिंग जो है उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। तो हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नल में पुट करते हैं और इसके बाद अगले टर्म की ओर जाते हैं। अगर हम लोग जर्नल के बारे में जाने तो जर्नल एक फ्रेंच वर्ड है जो कि जोर वर्ड से आता है। जोर का मतलब होता है डेली या डायरी। हम लोग जर्नल को हिंदी में रोजनामचा के नाम से भी जानते हैं। हमें ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग रूल के आधार पर ही जर्नल एंट्रीज पास किए जाते हैं। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग की अगर हम लोग बात करें तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं 3 रूल के बेस पर इसको जर्नलाइज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेंस आर क्रेडिटेड। इन्हीं अकाउंटिंग रूल के आधार पर हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नलाइज करते हैं, उनका जर्नल एंट्रीज पास करते हैं।
ध्यान रखना है जर्नल में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डिस्काउंट का। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग जर्नल में कहीं भी पुट नहीं करते हैं, मीन्स इग्नोर कर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कॉमनली सारे को दिए जाते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट कंडीशंस पर हैं। मीन्स ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास अनकंडीशनल किसी को भी दिया जा सकता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट हम उसी को दे सकते हैं जो कैश पेमेंट करता होगा। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो कैश डिस्काउंट किसी हालत में नहीं दिया जा सकता है। तो कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट ये दो टर्म हैं। हम लोगों को बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को अपने एंट्रीज में पुट करने हैं, उसी टर्म कंडीशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ एंट्रीज की बात करें तो याद रखें, सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ कैपिटल विथ कैश, तो हमें सबसे पहले इसी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री पास करनी रहती है। अगर हम इस ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री पास की जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना है, जितने भी जर्नल एंट्रीज पास किए जाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में कैश आ रहा है और वो कैपिटल प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस कंडीशंस में हम लोग ये एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड, अगर हम लोग टर्म बात करते हैं परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश और कैश परचेज की, तो ये एंट्रीज की पास की जाती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी प्रकार से गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट की बात करें, यानी क्रेडिट परचेज की जब बात कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री पास की जाती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट। इसी प्रकार से गुड्स सोल्ड फॉर कैश मीन्स कैश सेल्स की जब बात करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हम लोग एंट्री पास करते हैं। इसी प्रकार से गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की जब बात करें तो परचेजर्स अकाउंट यानी कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज किया जाता होगा फॉर कैश, तो इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदा जाता होगा ऑन क्रेडिट, तो उसकी एंट्री पास की जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर हम ओल्ड एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं तो उसकी एंट्री पास की जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट्स अकाउंट। अगर हम किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हों तो इसके लिए हमें एंट्री पास करना चाहिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जितने भी एंट्रीज पास हो रहे हैं ये सभी एंट्रीज बिजनेस के अकाउंटिंग रूल के आधार पर पास किए जा रहे हैं। सभी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बेसिक रूल के आधार पर ही ये सभी ट्रांजेक्शन्स पास किए जाते हैं। तो अगर आप सबों को बिजनेस के जो बेसिक टर्म है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के, अगर अकाउंटिंग रूल इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल आपके दिमाग में अगर बैठा होगा तो एंट्री पास करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसी टर्म कंडीशंस में हम लोग किसी भी एंट्री को पास करते हैं। अब इनकम रिसिप्ट की बात करें तो इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमें इनकम मिलेगा कैश में, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो इनकम हमारा गेन है, इनकम को हम क्रेडिट में रखते हैं तो इसलिए इसे क्रेडिट में रखा गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये हमारा इसका एंट्री पास किया जाएगा। मीन्स जितने भी अकाउंटिंग रूल हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सो काइंडली आप लोग सभी अकाउंटिंग रूल को अच्छे से याद रखें और उसी के आधार पर आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला काम जर्नलाइजिंग का, मीन्स जर्नल एंट्रीज पास करने का, फिर इसका लेजर में पोस्टिंग होता है। जब लेजर में हम पोस्टिंग कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग अपने अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जांचने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
इसलिए ट्रायल बैलेंस को हम लोग अकाउंट नहीं मानते हैं, वो एक स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पर बनाए जाते हैं। क्लियर है? आगे के टर्म कंडीशंस हम लोग और सीखेंगे। थैंक यू।